तो पिछले पार्ट में हम पढ़े कि चंदन प्रवेश करता है, उसके पैर कट गए हैं, पैरों से खून बहते हुए देखकर माँ परेशान हो जाती है और माँ के पूछने पर वह कहता है कि वह जब झरोखे से झांक रहा था तो उसे किसी की आहट सुनाई पड़ती है और इसीलिए क्या है वह वहाँ से कूदता है और पैरों में क्या है कांच चुभ गया जिसके कारण उसके पैर कट गए हैं। तो उसके बाद वह माँ क्या करती है, साड़ी का छोर जो है उसे फाड़ कर वह उसके पैरों में पट्टी बांध देती है और व्याकुल हो उठती है। वह अपना बेटा जो कहता है, माँ मैं क्या करूँगा, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, मैं आपके लिए जागीरें जीतूँगा, आपके लिए क्या है मंदिर बनाऊँगा और मंदिर में क्या है आप ही को मैं स्थान दूंगा बैठने, वहाँ भगवान के स्थान पर, भगवान की मूर्ति के स्थान पर मैं आपका आपको ही वहाँ पर विराजमान करूँगा। तो यह बात सुनकर माँ हर्षोल्लास होती है पर मन ही मन बहुत कष्ट पाती है कि जो बेटा मेरे लिए इतना कुछ करना चाहता है, इतना सपना देखता है और वहीं पर मैं अपने पुत्र को क्या कर रही हूँ, उसको बलिदान पर चढ़ाने की बात सोच रही हूँ। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 177। तो इतने में जब बाहर क्या है आवाज आती है तो पन्ना जाती है देखने के लिए। पन्ना आकर लौट कर कहती, कोई नहीं है वहां पर, महल है, किसका डर है, लाल तुम सो जाओ। बेटे से कहती, बेटा चंदन तू सो जा। चंदन, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। अभी तक क्या है सज्जा ने क्या है मेरी शैया ठीक नहीं की है, बिस्तर ठीक नहीं किया, भला मैं कहाँ सोऊं। तब पन्ना कहती है, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, अभी तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें लिटा दूंगी, जब शैया ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें क्या है तुम्हारे शैया पर लिटा दूंगी। तब चंदन कहता है और कुंवर तो बुरा मान गए गए, तो अगर मैं उसके शैया पर सोऊंगा तो क्या है कुंवर जी बुरा मान जाएंगे। पन्ना उत्तर देती है, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो हो ना जाएगी, तुम्हारे सोने से क्या है उसकी शैया मैली थोड़ी होगी। चंदन तब कहता है, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूँ। तो आज मैं क्या करूँगा, कुंवर जी की शैया पर ही लेट कर देखूँगा कि कैसी लगती है उसकी शैया। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया, एकाएक स्मरण कर मेरी माला। फिर उसे याद आता है कि हाय उसकी माला तो माँ को क्या है ठीक करने के लिए दिया था। राजकुमार के गले में माला होती है ना, तो शैया पर लेटे लेटे वह कहता, देखो माँ आज मैं खुद भी राजकुमार बन गया हूँ, पर राजकुमार के गले में तो हार होता है, माला होता है, तो मेरी माला क्या तुमने उसको ठीक कर दी, मेरी जो टूटी माला थी उसे गूंथ दी। तब पन्ना कहती, नहीं गूंथ पाई लाल, सामली आ गई थी तो उससे बातें करते करते देर हो गई जिसके कारण मैं माला को गूंथ नहीं सकी। चंदन कहता है, तब कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ, शैया पर लेटता है। आहा माँ कितनी नरम शैया है, तो ये जो शैया जो है वो कैसी है, काफ़ी नरम है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूँ, मन करता मैं यहीं पर लेटा रहूँ। पन्ना चीख कर, चंदन चंदन क्या हुआ माँ। पन्ना, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी, तुम सो जाओ तुम्हारे सोते मैं भी सो जाऊंगी, जल्दी जल्दी सो जाओ क्योंकि मेरी आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ, तो चंदन पूछा, क्या मैं किसी वैद्य के पास जाऊँ, जाकर बुला कर लाऊँ। पन्ना कहती है नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप से आप शांत हो जाती है, तुम भी सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी जल्दी सो जाऊंगी, तुम सो जाओ और मैं भी क्या है जल्दी सो जाऊंगी, कुंवर जी को खिलाकर सो जाऊंगी। चंद, अच्छा माँ तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, और वह सो जाता, कहता है ठीक है मैं सो जाता हूँ और तुम भी सो जाओ जल्दी जल्दी। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ, अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, तो हमारे देश की मातृभूमि में इतने बड़े बड़े जो वीर पैदा हुए बड़े हुए ठीक है शूरवीरों को याद करके तुम सो जाओ। बापा रावल जिन्हें हारित ऋषि ने
दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। उन्होंने ही पहले पहले अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया, तो उन्होंने ही सबसे पहले क्या है शिव जी का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध से पराजित किया। रावल सावंत सिंह, रावल समर सिंह, तो वहाँ के जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनको याद करके तुम सो जाओ। चंदन चौंकता है, चौंककर, माँ मैं आंख बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई। तो वह कहता है, माँ मैं जब सोया हुआ था तो एक काली छाया जो है मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही थी और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई, तो वह मुझे मारना चाहता है। माँ वह काली छाया, काली छाया, तो वह घबरा जाता है और कहता है कि एक काली छाया जो है क्या है वह मुझे मारने के लिए मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही है। तब पन्ना उत्तर देती है, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? भला यहाँ कोई काली छाया नहीं आएगी क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, यहाँ तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही। यहाँ पर बेटे को क्या है नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाओ। तो वह माँ से कहती है कि कोई एक गीत सुना दे। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। और वह करुण स्वर में क्या है एक गीत गुनगुनाती है और वह गीत जब समाप्त होता है तो देखती है कि चंदन सो गया है। तो जब बेटा सो गया तो वह अलग से हट जाती है। पन्ना फिर कहती है, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह ना उठेगा, ऐसा सोया कि अब और ज़िंदगी में कभी नहीं उठेगा। और फिर वह रोने लगती है, ओह पन्ना तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट लिया है, तो तूने क्या है अपने बेटे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है, तू सर्पिनी है क्या है, तू सांप है, तूने अपने ही बेटे को निगलने की कोशिश की है, सर्पनी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है, तो तू क्या है जानबूझकर अपने ही पुत्र को क्या कर रही है अपने पुत्र की हत्या कर रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था, भला तेरी जैसी औरत को भी क्या जन्म लेना चाहिए था, अपने ही पुत्र को खा रही है। सिसकियां लेती है फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है तो माला कैसे पूरी होती, तो तुम्हारा जो जीवन है वही अधूरा हो रहा है, भला माला गूंथ कर मैं क्या करती। फिर वह रोती है, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, भूखे ही सो गए हो, आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी, आज के दिन क्या है मैंने तुम्हें भोजन, मतलब तुम भूखे ही सो गए, तुम्हें भोजन भी नहीं करवाया, तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम, जो कह रहे थे कि कल तुम दोनों साथ भोजन करोगे पर तुम्हें तो ये नहीं मालूम कि कल तुम दोनों साथ भोजन नहीं कर सकते, कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। सिसकिया भरती है, तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे, मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को खा रही हूँ, तो मैं कैसी हूँ, मैं अपने ही भक्त को खा रही, मैं अपने ही बेटे को, लाडले बेटे को खाने जा रही हूँ, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूँगी मेरे लाल। मेरे चंदन जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो, तो तुम अपना बलिदान देश के लिए कर दो, आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, तो आज मैं भी क्या कर रही हूँ देश के लिए, चित्तौड़ के लिए दीपदान कर रही हूँ, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। तो वह क्या कर रही है अपने ही पुत्र का बलिदान कर रही है,
ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? भला इस प्रकार का दीपदान आज तक भला किसी ने किया है जो अपने ही पुत्र का बलिदान करे? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। फिर वह सिसकिया भक्ति है और अंतिम बार क्या है, वह अपने पुत्र का मुँह निहारती है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।